और आपसे माफी मांगने आया था। अगले हफ्ते मैं रामीन के नाम से एक न्यूज चैनल लॉन्च कर रहा हूं और बहुत जल्द अपना सियासी करियर भी शुरू करूंगा। चचा जान का ख्वाब था, बस उसे अब पूरा करने जा रहा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश यह है कि आप अगर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बन के आ जाएंगी तो मेरी उस तकरीब में शिरकत नामुमकिन है। रही बात तुम्हारी सियासत की, तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी इतनी जिल्लत के बाद ये गांव के लोग तुम्हें अपना लेंगे? वो तो तुम्हें हमारी घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं ना। समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चचा जान की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा मैं आपको, मैं आपको ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। कुछ अरसे बाद दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने और अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रामीन से मिलने से नहीं रोकेंगे। आज के मेरे तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, मुझे कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर जाना। आपने मेरी स्पीच और प्रेजेंटेशन ईमेल कर दी है? जी सर, मैंने कर दी है। पिछले 4 सालों में कुछ भी नहीं बदला आप ही। ना हारून की जॉब स्टेटस, ना अम्मी का रवैया, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी बहुत मुतमईन हूँ। हारून मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। इस मामले में तो तुम बहुत खुशनसीब हो। बस एक औलाद की कमी है ना, वरना पैसे का क्या है? पैसा तो आनी जानी चीज है। औलाद भी आ ही जाएगी आप ही। तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं, अगर मैंने भी कहना छोड़ दिया तो कौन समझाएगा तुम्हें? देखो नगी, मर्द कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक औलाद नहीं होती ना ये बंधन मजबूत नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं। कितनी दफा तुमसे कहा है कि किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। मैं आपसे बात करते हुए इसीलिए चिढ़ती हूँ, जब भी आपसे बात करूँ एक ही टॉपिक होता है आपके पास। अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? भाभी चलें, देर हो गई है, शाम हो रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके, आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने रिदा के साथ शॉपिंग पे जाना है। दरअसल हारून की बर्थडे है तो मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए थे ट्यूशन फीस के, मैंने सोचा उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ। इनफैक्ट एक अच्छी सी रिस्ट वॉच ले लूँ, उन्हें रिस्ट वॉच का बहुत शौक है ना। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़।
कितने की है भाई? बस 3 लाख रुपए। भाभी ये तो बहुत महंगे है। भाई कोई 20-25 हज़ार वाली वॉच नहीं होगी आपके पास? सॉरी मैम, इस रेंज में कोई भी हमारे पास वॉच नहीं। अच्छा तो बहुत महंगा बोल रहे भाभी, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो 2-3 लाख से कम की कोई घड़ी नहीं है। अरुण को वॉचेस का बहुत शौक है, मुझे लगा उनके बर्थडे पे कोई अच्छी सी वॉच गिफ्ट कर दो। तो आप कोई अच्छा सा 3-पीस सूट नहीं गिफ्ट कर देती? 3-पीस सूट यहाँ लाखों में बातें चल रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ कोई परफ्यूम ही गिफ्ट कर दूँ। भाभी अपने लिए भी कुछ लेना, आइए शॉप में चलते हैं। यहाँ नहीं नहीं बहुत महंगा बुटीक है, चलो आगे जाके कोई परफ्यूम देखते हैं। अभी देखते नहीं, हो सकता है कुछ मुनासिब कीमत में मिल जाए। दिमाग खराब है तुम्हारे, यहाँ कुछ मुनासिब नहीं है। चलिए देख तो लेते हैं ना। चलिए खातून, यहाँ कोई घड़ी पसंद करके गई? जी ये वाली, बट ये उनके रेंज में नहीं थी। पैक कर दो। सर ये उनके रेंज में नहीं थी, 3 लाख की है ये। हाँ दे दे। पैक कर दो ये। जी सर अभी कर देता हूँ।
ये देखिए मम्मी, ये एक जोड़ा ना आपके लिए लिया है भाभी ने, और बाकी के तीन जोड़े मेरे हैं। इतने अच्छे कलर्स हैं देखे। और भाई आपका गिफ्ट जो है ना आपके बर्थडे पे मिलेगा। आप इसे क्यों बता रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें बिला वजह फजूल खर्ची करने की? मना भी किया है, बिला वजह मत पैसे बाजारों में जाके खर्च किया करो। बस मिलते हैं इनको ट्यूशन के पैसे और पहुंच जाती है बाजारों में जूते कपड़े कॉस्मेटिक्स पता नहीं क्या क्या अलग अलग उठा के ले आती है। इंसान अपनी चादर देख के पांव फैलाता है, लेकिन तुम दोनों तो पता नहीं क्या। और ये मैं पहनूंगी, मैं नहीं पहनती ऐसे फीके रंग। क्या हो गया अम्मी? देखिए इतना अच्छा ये प्रिंट है और भाभी ने इतनी ब्रांडेड शॉप से लिया, इतना महंगा है ये। हाँ बस बस जानती हूँ पसंद इसकी भी। और पूरे बाजार में तुम लोगों को मेरे लिए कोई पसंद की चीज ही नहीं मिली ढंग की। ये प्रिंट ये कलर घटिया मैं पहनूंगी? मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि ऐसे प्रिंट और ऐसे कलर पहनूंगी। पता नहीं कहां से सस्ते उठा के ले आई, सेल से नहीं चाहिए मुझे। अम्मी आप कोई और जोड़ा देख रहे हैं, अगर आपको कोई और पसंद आ जाए तो। अरे हटाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ, रखो अपने पास।